ये प्याज है 3 पीस, टमाटर 3 पीस, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, गरम तेल में जीरा हम दिए हुए हैं, उसका जरा सा हींग भी देंगे, हींग देने से खुशबू अच्छा आता है हमेशा। अब जीरा हम इसमें डाल दिए हैं, इसके बाद थोड़ा हींग हम डालेंगे, हींग भी डाल दिए हैं। प्याज भी हम इसमें डाल दिए हैं, हरी मिर्ची भी और अदरक लहसुन कुटा हुआ इसमें हम डाल देंगे, तीनों एक साथ हम इसको फ्राई करेंगे। ब्राउन होने के बाद में हम आलू और ड्रम स्टिक दोनों डाल के नमक इसमें हम डाल रहे हैं ताकि जल्दी प्याज सिकाई हो जाना चाहिए, इससे क्या जल्दी ब्राउन हो जाता है नमक डालने से, और नरम भी हो जाता है, सेकते रहना चाहिए धीरे धीरे ताकि लहसुन भी कभी इसमें जो है ना कच्चापन निकल जाएगा। अब धीरे धीरे प्याज भी ब्राउन हो रहा है, इसके बाद में हम सिकने के बाद में टमाटर कटा हुआ जो है इसमें हम देंगे। अब ये हल्दी, लाल मिर्ची, नमक दे दिए हैं, उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद ये आलू और ड्रम स्टिक डाल के दोनों थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसको भी सेंक लेंगे ताकि टमाटर भी सेंकने के बाद में इसका पानी मिट जाए। इसके बाद में हम आलू और ड्रम स्टिक इसमें हम डालेंगे।
डाल दिए, ड्रम स्टिक डाल दिए। डालने के बाद थोड़ा देर सेक लेते हैं। उसके बाद हम सेकने के बाद में पानी इसमें हम सिकाई हो गया। अब इसमें हम थोड़ा पानी देंगे, पानी देख के इसको हम ढक देते हैं ताकि ये सीज जाएगा। देखिए पानी अपना अंदाज से जितना चाहिए ग्रेवी में उस हिसाब से अपना पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना से, पानी अपने हिसाब से दीजिए। सब्जी अब हमारा सीज गया, देखिए रेडी हो चुका है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी।